आज मैं चाहता हूं आप लोग मेरा एक काम करो, मैं आप लोगों को 6 SUV दिखाऊंगा और आप लोगों को एक SUV को चूज करना है। सबसे पहले अपने पास है लैंड रोवर डिफेंडर, फिर आती है हमर ईवी जो कि बहुत ही क्रेजी एक इलेक्ट्रिक SUV है, फिर सबकी फेवरेट मर्सिडीज AMG G-Wagon भाई, फिर आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर हमारे इंडियंस की सबसे ज्यादा फेवरेट SUV, और भाई जीप रैंगलर को कैसे भूल सकते हैं, द बीस्ट है ये गाड़ी। अपनी पसंदीदा SUV आप लोगों ने चूज कर ली, अब मैं करवाता हूं इन 6 की 6 SUV का एक्सट्रीम ऑफरोड चैलेंज और देखते हैं भाई कौन सी SUV सबसे ज्यादा बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही स्पेशल गाड़ी के साथ, अंग्रेजों की थार के साथ, मतलब जीप रैंगलर भाई। ये देखो इसके इंजन की आवाज सुनो आप लोग भाई, इसका इंजन बहुत ही क्रेजी है, मतलब इतनी भारी SUV है बट स्टिल इसका इंजन बहुत केपेबल है भाई। लेट्स गो यार, ये गाड़ी पता एकदम परफेक्टली मॉडिफाइड है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, देख रहे हो कितना मस्त जंप ले रही है ये गाड़ी भाई। ये देखो मतलब यार अगर तुम्हें रियल ऑफरोडिंग करनी है ना तो भाई ऐसी कोई गाड़ी लेके जाओ, ये गाड़ी इतनी लिफ्टेड है, इतनी ज़्यादा इसके बम्पर वगैरह और ये जो इसका पिछला बोनट वगैरह हर चीज़ को इतना सही मॉडिफाई किया है ना कि ये गाड़ी बिल्कुल भी नीचे से टकरा ही नहीं रही है। और हाँ आगे अभी अच्छी खासी जंप्स आने वाली है तो वहाँ पे और पता चलेगा हमको। लेट्स गो। ओके इंजन डैमेज भाई, देख सकते हो आप लोग छोटे से ही जंप के बाद इस गाड़ी का इंजन डैमेज हो चुका है और गाड़ी ने एक बार पलटी मार ली है। क्या एक पलटी के बाद गाड़ी चल पाएगी? यस ऑफ कोर्स, बट इसका स्टेयरिंग डैमेज हो चुका है, आप लोग एक टायर का डायरेक्शन देख सकते हो भाई। जीप रैंगलर दिक्कत में आ चुकी है, जीप रैंगलर अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका एक टायर परमानेंटली लेफ्ट के साइड हो चुका है। तो हाँ भाई अब तो मेरे ड्राइविंग से इसका टेस्ट भी होने वाला है, बट देखते हैं। लेट्स गो जीप रैंगलर। बट अभी तक इंजन डैमेज तो हुआ है बट इसका जो पावर आउटपुट है उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है अभी, मतलब जो गाड़ी है वो उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर रही है, विच इज़ एक्चुअली अच्छी बात क्योंकि अभी भी हम चैलेंज पे बने हुए हैं ना। एक और जंप और भाई आई गेस इस जंप के बाद तो अच्छा खासा डैमेज आएगा। यस ऑफ कोर्स, बट कुछ भी बोलो भाई ये गाड़ी बहुत केपेबल है यार, ये जंप्स को कितना इजीली कर रही है ना। ओए ऑफ रोड जा चुके, ओ शिट भाई इसका ड्राइव शाफ्ट टूट गया क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और अब आई डोंट थिंक हम लोग इस वाले चैलेंज को कंटिन्यू कर पाएंगे है ना भाई। इतना डैमेज होने के बाद भी ये गाड़ी चल रही है, बट यार इतनी कम स्पीड में चल रही है ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आगे और इसको कंटिन्यू कर पाऊँ क्योंकि आगे और बड़े बड़े जंप्स हैं। जीप रैंगलर के बाद बारी है मर्सिडीज AMG G-Wagon की, और देखो मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस गाड़ी से उम्मीद लगा के बैठे हो क्योंकि भाई ये गाड़ी एक्चुअली में बीस्ट है, बट ये वाला जो चैलेंज है ना भाई ये अच्छी अच्छी गाड़ियों की, ओ हो हो मर्सिडीज ट्रैक के बाहर हो चुकी, बट कोई बात नहीं हम लोग वापस से ट्रैक में जा सकते हैं भाई। ओके हम लोग आई गेस वापस से ट्रैक में आ चुके हैं। ओए कम ऑन यार मर्सिडीज क्या कर रही है ये गाड़ी, भाई भाई कसम से ये गाड़ी बहुत क्रेजी है भाई, ये ट्रैक में ही नहीं आ रही है, और पता है ये पूरी की पूरी पलट गई थी, मैंने इसको टायर से सीधा कर लिया। लेट्स गो भाई ये गाड़ी में कुछ तो बात है भाई। वापस से हम लोग ट्रैक में आ चुके हैं अपनी मर्सिडीज को लेके, अब देखते हैं कितना आगे ये गाड़ी जा पाएगी, क्या ये अपने जीप रैंगलर के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। लेट्स गो। थोड़ा बहुत इसका इंजन डैमेज हो चुका है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा बार पलटी मार चुकी है, बट कोई बात नहीं अभी भी अपनी मर्सिडीज चल रही है और भाई मर्सिडीज की गाड़ी है तो उससे उम्मीद आप लोग लगा सकते हो। बट हाँ अभी ओके ब्रेक्स वगैरह तो सही काम कर रहे हैं गाड़ी के, इंजन का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है, मतलब मैं एक्सीलेटर ज्यादा दे रहा हूँ तो कम जा रहा है, बट वो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके अब जंप्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, ये आ चुकी है अपनी पहली जंप, लेट्स गो मर्सिडीज। और पहली ही जंप में इस गाड़ी का एंगल चेंज हो चुका है जो कि इसके टायर को तोड़ने के लिए काफी था आई गेस। तो हाँ हमारी मर्सिडीज का हाल पहले ही जंप के बाद बेहाल हो चुका है, इसका टायर कंप्लीटली मुड़ चुका है। जब अब भाई इस गाड़ी से टर्न लेना बहुत मुश्किल है, ये देखो मैं इस गाड़ी को अब लेफ्ट साइड मूव कर ही नहीं सकता अच्छे से, ये देखो कितना मुश्किल हो रहा है इसको टर्न लेना भाई साहब, एक टायर ने तो साथ ही छोड़ दिया गाइस। जिन लोगों ने भी मर्सिडीज से उम्मीद लगाई थी मैं तुम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि भाई मर्सिडीज ने बहुत ही गंदा डिसअपॉइंट किया है, आप लोग देख सकते हो क्या हालत बन गई है इसकी भाई, और अब ये बिल्कुल नहीं चल रही, मैंने फुल एक्सीलेटर दे रखा है और ये गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इतना धीरे धीरे चल रही है भाई, इसके आगे तो कोई साइकिल लेके निकल जाएगा।
अब बारी है बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार की। मतलब भाई हमर ईवी ये गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है भाई। मतलब मैं आप लोगों को कंपैरिजन दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। अपन ने सबसे बड़ी गाड़ी जिसको डिफेंडर बहुत बड़ी लगती है ना, मैं आप लोगों को डिफेंडर से इस गाड़ी का कंपैरिजन दिखाऊंगा। भाई ये गाड़ी कितनी भारी है आप लोगों को समझ आ रहा है आवाज से? ये कैसे पटक रही है अपने आप को, चूंकि गाड़ी बहुत भारी है भाई। ये इसका वेट ही इतना ज्यादा है कि गाड़ी लिटरली जब इसको जंप कराते हैं ना तो इतने प्रेशर से नीचे आती है कि मुझे डर लगता है इसके टायर ही ना टूट जाए, क्योंकि बहुत भारी गाड़ी है। इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल ये हमर है भाई, आपको पता है हमर मिलिट्री में यूज़ होती थी। लेट्स गो भाई हमर। क्या लगता है आप लोगों को हमर इस वाले चैलेंज को कर सकती है? देखो मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे इस गाड़ी से उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं, क्योंकि इसका वेट जो है ना वो हद से ज़्यादा है। तो एक भी अगर मैं बड़ा इससे जंप कराऊंगा ना तो भाई ये अपने ही वेट के तले दब जाएगी लिटरली। अभी जंप्स आने वाले, आप लोग खुद देखना है इतनी भारी गाड़ी जब जंप करती है तो क्या होता है। लेट्स गो, ये आ चुका है भाई अपना पहला जंप। हमर ईवी जितनी स्पीड जा सकती है मैंने बढ़ा दी और ये हुआ स्लो मोशन। और भाई गाड़ी का टायर निकल चुका है जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। जिस टायर के बल पे गाड़ी नीचे गिरी वो टायर निकल चुका है। गाड़ी पड़ चुकी है बंद, ये देख लो गाड़ी कंप्लीटली बंद पड़ चुकी है। ओवरऑल आई गेस गाड़ी हो चुकी है ख़राब। तो अभी तक तो एक ही गाड़ी जीती है, वो है जीप रैंगलर। चलो अपने इंडिया की सबसे फेमस एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग ना इस वाले चैलेंज में एकदम बड़ी बड़ी और एकदम लग्जरी एकदम महंगी वाली ऑफ रोड एसयूवीज को टेस्ट कर रहे थे, बट कोई बात नहीं यार, अपनी फॉर्च्यूनर को भी एक जगह तो मिलना ही चाहिए। और भाई ये गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, पूरी पीछे गई फॉर्च्यूनर, देख रहे हो तुम? कोई बात नहीं गाइस, बड़े बड़े चैलेंज में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, वो मेरी गलती से हुआ था इसलिए मैंने रीस्टार्ट किया है, बट अब मैं अच्छे से चलाने का ट्राई करूंगा। भाई ये गाड़ी के टायर बहुत छोटे हैं यार, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसे बिल्कुल टॉय कार जैसे भाग रही है ये गाड़ी। मतलब एक रियलिस्टिक कार वाली फीलिंग दे ही नहीं रही है ये गाड़ी। बट कोई बात नहीं, हम लोग जैसे तैसे उस जगह से निकल चुके, बट यार वो पहले ही पड़ाव में फॉर्च्यूनर का हाल बेहाल हो चुका है और आगे तो अभी बहुत आगे जाना है। और अपनी जो जीप रैंगलर है तो बहुत आगे तक गई थी भाई, माना मैंने अपनी मर्सिडीज और हमर ईवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बट क्या आप लोग फॉर्च्यूनर से उम्मीद लगा सकते हो? क्योंकि मुझे लग रहा है ना फॉर्च्यूनर उन दोनों गाड़ियों से जरूर आगे निकल जाएगी, इतना केपेबल तो है अपना टोयोटा का इंजन और टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी। लेट्स गो पहली जंप। आओ शिट, ना भाई ये पहली जंप ही फॉर्च्यूनर के लिए बहुत दिक्कत देने वाली है। ईश भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पहली जंप ले ली थी हमारी फॉर्च्यूनर ने, और अब मुझे लगता नहीं कि ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। इसको सीधा करके देखो क्या? A few moments later. ओके, हमने सीधा कर लिया फॉर्च्यूनर को और फॉर्च्यूनर अभी भी चल रही है। मतलब भाई मान गए टोयोटा को, इसीलिए बोलते हैं भाई बेस्ट गाड़िया बेस्ट रिलायबल गाड़िया टोयोटा ही बनाता है। देख लो भाई, एक पूरी पलटी मारने के बाद भी अपनी फॉर्च्यूनर चल रही है, मतलब यार तालियां हैं टोयोटा के लिए। बट देखते हैं कितना आगे जा पाएगी, क्या ये गाड़ी अपनी जीप रैंगलर से आगे निकल पाएगी। वैसे तो जीप कहीं जंगल में जाके क्रैश हुई थी, बट हाँ मुझे उसकी लोकेशन पता है किस साइड में जाके वो क्रैश हुई थी। ओके कम ऑन टोयोटा फॉर्च्यूनर, भाई मुझे लग रहा है हम लोग जीप का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ना। लेट्स गो भाई, एक और जंप, कम ऑन टोयोटा लेट्स गो भाई। इंजन डैमेज हो रहा है गाड़ी का, ऐसा नहीं है डैमेज तो आ रहा है वो। शिट, अभी आई गेस खराब हो गया इंजन। ना ना चल रहा है, चल रहा है भाई। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा था कि गाड़ी का इंजन बंद पड़ जाएगा, बट नहीं चल रहा है। बट हाँ पावर डिलीवरी बहुत कम हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो फुल एक्सीलेटर देने के बाद भी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। और आई गेस यहीं के किसी जंगल में हमारी जीप रैंगलर ने दम तोड़ा था। तो अब मुझे लग रहा है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर इस वाले चैलेंज की विनर बनने वाली है अभी तक। ठीक है, अभी तक जितनी गाड़ी हमने टेस्ट करी है। लेट्स गो भाई, यही जंगल है जहाँ पे जीप रैंगलर दम तोड़ा था। और आई गेस 1, 2 और बस 3 भाई, यहाँ से टोयोटा फॉर्च्यूनर अभी तक इस चैलेंज की सबसे ज़्यादा आगे आने वाली गाड़ी बन चुकी है। यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, वो गाड़ियाँ इतनी महंगी आती है ना जीप रैंगलर, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ था 10-12 लाख का मॉडिफिकेशन था। और अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर अब आई गेस फाइनली इसने दम तोड़ दिया। और अब मैं इसको सीधा नहीं करूंगा, क्योंकि उस टाइम मैंने इस गाड़ी को सीधा इसलिए कर लिया था क्योंकि इसका इंजन चालू था, बट अब तो ये अपनी खुद की गलती से पलटी है। तो हाँ भाई, अभी तक तो फॉर्च्यूनर ही जीती। और आप लोग हाल देख लो, कुछ भी बोलो टोयोटा के लिए तालियां हैं भाई, कितनी क्रेजी गाड़ियां बनाता है टोयोटा। अब बारी है सबसे इंटरेस्टिंग गाड़ी लैंड रोवर डिफेंडर की भाई, जिसका इंतजार मैं बहुत टाइम से कर रहा था। लेट्स गो। और भाई स्टार्ट होते ही इस गाड़ी ने, हेलो भाई इससे कितनी आवाजें आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है अंदर से पूरी टूट रही है गाड़ी। आप लोगों को आ रही है? आई गेस आ ही रही होगी यार, मैंने तो वॉल्यूम फुल कर रखा है गेम का।
वहां कसम डिफेंडर कितना हल्ला कर रही है भाई। ओके बट स्टिल तुम बोल सकते हो डिफेंडर है तो इसका कोई भी मेजर पार्ट अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, और भाई इसी पड़ाव पे अपनी फॉर्च्यूनर का अच्छा खासा डैमेज आ गया था। बट कोई बात नहीं, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है, तो देखते हैं। ओए इसका बम्पर टूट गया क्या? लेट्स गो भाई, अपनी डिफेंडर ने अपना बम्पर खो दिया है बिना किसी जंप के। ये बात थोड़ी सी मेरे को हजम नहीं हो रही है, बट कोई बात नहीं यार, पहली जंप आ चुकी है डिफेंडर, लेट्स गो। ओके पहली जंप और डिफेंडर ने भी पलटी मार ली है। क्या ये चलने लायक बचेगी? क्या लगता है आप लोगों गाइस? चारों टायर के बल ये नीचे आई है, एक्सीलेटर देके देखता हूँ। यस ऑफ कोर्स डिफेंडर चल तो रही है बट हालत थोड़ी सी खराब है। ये रही अपनी हमर ईवी, हमारी ईवी से डिफेंडर जीत चुकी है। ये रही अपनी मर्सिडीज एएमजी जी वैगन, इससे भी डिफेंडर जीत चुकी है। और अब डिफेंडर हंट करने वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर का। देखते हैं भाई क्या डिफेंडर टोयोटा फॉर्च्यूनर के आगे निकल पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? वैसे देखो पर्सनली एक ही गाड़ी थी जिससे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद था और वो यही गाड़ी है। बट हाँ, इस गाड़ी का भी हाल बहुत बेहाल हो चुका है पहली ही जंप के बाद, क्योंकि एक्चुअली जंप्स जो रहती है ना भाई, वो अच्छी अच्छी गाड़ियों की हालत पतली कर देती है। क्योंकि कोई भी गाड़ी जंप होने के लिए नहीं बनी होती है, पता है आप लोग? गाड़ी को तुम ऑफ रोड करा सकते हो बट जंप नहीं करा सकते, तुम कितनी ही महंगी गाड़ी ले लो। भाई इससे तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है गाड़ी अंदर से खुल रही है पूरी की पूरी, और इसका जो पिछला डोर है वो लिटरली घींच रहा है गाड़ी के साथ। अरे चले जा भाई, टूट जा यार, बिल्कुल जद्दोजहद कर रहा है गाड़ी के साथ, ऐसा भी नहीं। हाँ निकल गया, थैंक यू। कितना भारी था वो डोर, जैसे ही वो डोर निकला गाड़ी एकदम कंट्रोल से बाहर जाने लगी थी भाई। ओके चलो देखते हैं, हम लोग आई गेस इस वाली गाड़ी से जीत सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में फॉर्च्यूनर की लोकेशन हमको मिल जाएगी। ओए इसका फ्रंट एक्सेल भी टूट गया भाई, ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं जिसको। लेट्स गो, कहाँ है हमारी फॉर्च्यूनर भाई? क्या इस चैलेंज को फॉर्च्यूनर जीत जाएगी? आप लोगों को सही में लगता है ये? ओए नहीं 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 नहीं, डिफेंडर बच गई भाई, चलते चलते ही पलट गई थी ये गाड़ी। मैं तो डर ही गया, मुझे लगा खत्म भाई चैलेंज। ओके वो मुझे दिख रही है फॉर्च्यूनर भाई यहाँ से, क्या हम डिफेंडर लेके फॉर्च्यूनर से आगे निकल पाएंगे? लेट्स गो। अब मेरे को धक धक हो रहा है, कम ऑन साइड से निकल जाए। लेट्स गो भाई, अपने इस वाले चैलेंज की विनर बनती है लैंड रोवर डिफेंडर। ये गाड़ी अभी भी चल रही है बट अब बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका इंजन टोटली ओवरहीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो भाई, पूरा का पूरा इंजन ओवरहीट हो चुका है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि फॉर्च्यूनर के आगे निकलने के बाद इसका इंजन ओवरहीट हुआ, तो टेक्निकली ये वाली गाड़ी विनर बन चुकी है। और भाई अगर मैं इसको ऐसी ओवरहीट पे चलाते रहना, इसका इंजन कम्प्लीटली खराब हो जाएगा। अब मुझे लगता है और मुझे डिफेंडर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी बन चुकी है विनर। भाई जो भी बंदों ने डिफेंडर चूज करी थी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी गाड़ी जीत चुकी है। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक नए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। I am signing out. अब मैं जा रहा हूँ भाई दाल चावल खाने, बहुत भूख लग रही है। देख लो भाई साइज कंपैरिजन, ये तुम्हारे सामने दिख रही तुमको डिफेंडर, और उसके बगल में है अपनी हमर ईवी। और मैं आप लोगों को यहां से दिखाता हूं भाई ये गाड़ी कितनी बड़ी है। मैं आपको बोल रहा था ना, आप लोगों को डिफेंडर बड़ी लगती है, एक बार हमर ईवी का साइज देखो भाई। ये देखो डिफेंडर इसके सामने बच्चे जैसी लग रही है भाई, ये कितनी ज्यादा लंबी और कितनी ज्यादा चौड़ी। और भाई मैं ये भी बता दूं, इसका वेट डिफेंडर से बहुत ज्यादा है। वेलकम टू उत्तर प्रदेश, मैं हूं नेता फ्रॉम पतली गली, लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स फिल्ड विद बूमर्स एंड छपरीज, हाथ पे हाथ रख के करता हूं मैं ग्रिप चेक, शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रिप चेक, खींच के फोटो मैं स्क्वायर काट के।